हे मिस्टीरियस लवर्स, आज मैं आपको इंडिया के एक मिस्टीरियस एंड सीक्रेट बेस कैंप के बारे में बताने वाला हूँ, जहाँ एलियन पे रिसर्च किया जाता है और इसे इंडिया का एरिया 51 भी बोला जाता है। इस जगह के लोगों ने यहाँ पे बहुत सारे उड़ने और चमकने वाली चीज़ों को भी देखा है। दोस्तों, इस यूनिवर्स में इन्फिनाइट गैलेक्सीज हैं और हर गैलेक्सीज में 200 बिलियन स्टार्स हैं। तो क्या आपको ये लगता है कि हम अकेले ही सर्वाइवल्स हैं? तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। लद्दाख इंडिया के टॉप मोस्ट विजिटेड साइट में से एक है। जहाँ ये अपनी खूबसूरती की वजह से फेमस है, वहीं इसकी खूबसूरती के पीछे छुपा है इसका सच। आज मैं आपको लद्दाख के एक खास प्लेस कोंकाला पास के बारे में बताने वाला हूँ, जिसे इंडिया का एरिया 51 भी बोला जाता है। कोंकाला पास ये वही जगह है जहाँ 1962 को इंडियन सिनो वॉर हुआ था। ये इंडिया और चाइना का बॉर्डर भी है, लेकिन 1962 को उस जंग के दौरान दोनों मुल्कों के बहुत सारे सोल्जर अचानक से गैप होने लगे। जब ये बात भारतीय और चाइनीज गवर्नमेंट को पता चली, उससे पहले ही ये जगह दोनों मुल्कों की बॉर्डर बन चुकी थी। लेकिन उसके बाद दोनों मुल्कों ने ये डिसाइड किया कि इस जगह पे अब कोई पेट्रोलिंग नहीं होगी और इस जगह को उसी तरह छोड़ दिया जाए। और इसके बाद से इस जगह को वैसे ही छोड़ दिया गया है और इस जगह पे किसी को भी आने की इजाज़त नहीं है। लेकिन बॉर्डर की दोनों साइड के लोग इस जगह के बारे में कुछ और ही कहानी बता रहे होते हैं। जब उन लोगों से इस जगह के बारे में पूछा गया तो उन लोगों ने बताया इस जगह पे उन्होंने बहुत सारे यूएफओ को उड़ते हुए देखे हैं। और उन लोगों का ये भी मानना है कि इस जगह पे एक अंडरग्राउंड यूएफओ बेस कैंप है। और आम लोग का ये भी कहना है कि ये बात इंडियन और चाइनीज गवर्नमेंट को भी पता है, जिसकी वजह से इस जगह पे किसी को भी आने की इजाज़त नहीं है। लेकिन जब गूगल मैप से इस जगह को देखा गया तो ये देखकर सब हैरान थे, वो इस वजह से कि कोंकाला पास के एरिया में बहुत सारी बिल्डिंगें बनी हुई हैं और ये देखने में किसी मिलिट्री बेस की तरह है। लेकिन इस इमेज के रिवील्ड होने के बाद अब आप इस जगह को गूगल मैप पे सर्च करते हैं तो अब आपको इस जगह पे कुछ नहीं मिलेगा। इस इमेज के रिवील्ड होने से पहले ही से इस जगह पे बहुत अजीब अजीब सी चीज़ें होती हैं। जैसे 2004 को जब कुछ साइंटिस्ट और एक्सपर्ट लाहौल रीजन में रिसर्च कर रहे थे, तब उन लोगों को एक रोबोट की तरह 4 फीट लंबा कोई शख्स पहाड़ी पे चढ़ते हुए दिखा। लेकिन जैसे ही वो साइंटिस्ट उसके पास गए, वो अचानक से ही गैप हो गया। इसके बाद 2012 में इंडियन आर्मी ने पेंगोंग लेक के ऊपर आसमान में रिबन शेप वाली चीज़ को उड़ते हुए देखे, जिसे वो लोग भी डिटेक्ट नहीं कर पाए और वो भी चीज़ आसमान में कहीं गैप से हो जाती है। इसके बाद हिमालय तीर्थ यात्रा पे निकले हुए लोगों ने भी एक अजीब सी चमकती हुई चीज़ को देखे हैं और उन लोगों के मुताबिक ये लाइट इतनी तेज होती है कि आँख चौंधिया सी जाती है। कोंकाला पास के बारे में और यूएफओ के बारे में दोनों मुल्कों की गवर्नमेंट से पूछा गया तो इन लोगों ने इस बात को सिरे से ही इनकार कर दिया और कहा कि सिर्फ अफवाहें और कुछ नहीं। दोस्तों, सच चाहे जो कुछ भी हो, वक्त आने पे पता चल ही जाता है। दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं तक। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, उन्हें डिसलाइक करें और कमेंट में एक रीज़न बताएं कि आपने ये डिसलाइक क्यों किया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।